पब्लिक टीवी आपकी आवाज। गुरुवार को लघु उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश ने प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपना 14वां वार्षिक अधिवेशन धूमधाम के साथ मनाया, जिसमें सर्वप्रथम प्रदेश अध्यक्ष अरुण गोयल ने प्रदेश पदाधिकारियों और मुख्य अतिथि शहर विधायक रितेश गुप्ता के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। उसके बाद प्रभु की प्रार्थना कर सभी पदाधिकारियों और व्यापारियों ने ईश्वर को याद किया। मंचासीन अतिथियों को बैज लगाकर और हार पहनाकर उनका स्वागत किया गया। बच्चों ने अपने गीत और डांस के कार्यक्रमों से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सांस्कृतिक गीत और अपने आवाज के जादू से जहूर मलिक ने कार्यक्रम को और भी रोमांचक बनाया। इस दौरान सभी ने अपने वक्तव्य रखे, तत्पश्चात स्मारिका का विमोचन किया गया। हर वर्ष की भांति स्मारिका स्वाभिमान को सभी पदाधिकारियों में वितरित किया गया और व्यापारियों को उनके सम्मान के लिए व्यापारी रत्न मोमेंटो से सम्मानित किया गया। मैं दीपक गुप्ता, लघु उद्योग व्यापार मंडल प्रदेश महासचिव हूँ। यह आज जो हमारा 14वां वार्षिक अधिवेशन है, इसमें हमारा स्मारिका विमोचन का और व्यापारियों को सम्मान का आज हमारे कार्यक्रम होता है। हर साल हम पिछले 13 साल से ये कार्यक्रम मनाते आए हैं और ये हमारा आज 14वां वार्षिक अधिवेशन है, जिसमें हम हमारे सारी जगह से व्यापारी इकट्ठे होते हैं। मुरादाबाद से आपके अलीगढ़, आगरा, सब जगह के जो हमारे व्यापारी हैं सब इकट्ठे होते हैं और इस प्रोग्राम में हमारे आज जो स्थापना दिवस का कार्यक्रम होता है वो हर्षोल्लास के साथ ही हम लोग मनाते हैं।